हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जो कुछ हमारे नोमेरल्स हैं जो बाकी लग गए थे उनको आज हम लोग करेंगे। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, बल तथा गति का नियम यानी कि लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन। इससे पहले हमने दो चैप्टर कम्प्लीट कर लिया है। कौन कौन से हमारे पहला चैप्टर क्या था? पहला जो हमारा चैप्टर था उसका नाम था साइंस एंड मेजरमेंट यानी कि विज्ञान और मापक। नंबर टू हमारा चैप्टर क्या था? मोशन यानी कि गति। और नंबर थ्री हम लोग पढ़ रहे हैं बल तथा गति का नियम यानी कि लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। उस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि जो भी बच्चे इस लॉकडाउन के बीच अपने समय को व्यर्थ कर पा रहे हैं वो इसमें इस समय को क्या कर पाए, सदुपयोग कर सके। तो चाहिए क्या देर न करते हैं शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज का जो हमारा पॉलीनोमियल है आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक कार है जिसका द्रव्यमान कितना है, 2000 केजी है। एक कार है जिसका द्रव्यमान जो उसका मास है वह 2000 केजी है। यदि कार को 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण यानी कि मंदन के साथ विराम में लाना हो, ठीक। कह रहा है कि जो कार है उसका जो द्रव्यमान है वह 2000 केजी है और उसे हम 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या कर रहे हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं, यानी गाड़ी को विराम में लाना चाह रहे हैं, ठीक। तो हमारा क्या है, ऋणात्मक त्वरण यानी कि उसे मंदन कहते हैं, ठीक। तो कार और सड़क के बीच लगने वाला जो बल है वह कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस प्रश्न में दिया है यानी कि जो गिवन है, दिया गया है कि जो दिया है उसे लिखेंगे ताकि हमारे लिए प्रश्न बनाना आसान हो जाए। क्या दिया है, हमारा जो मास है और कितना दिया है, 2000 केजी यानी कि m बराबर 2000 केजी। और क्या दिया है, हमारा एक्सेलरेशन यानी कि जो ऋणात्मक त्वरण दिया है कितना, माइनस में यानी ऋणात्मक दिया है तो माइनस में 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, आरोपित बल यानी कि F बराबर क्वाट, ठीक। तो हमें पता है कि आरोपित बल इसे हम F कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन के दूसरे गति नियम से एम ए यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारा मास क्या दिया गया है, 2000 केजी, ठीक, इंटू जो एक्सेलरेशन है क्या है, माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा अपन जैसे मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 2000 केजी इंटू माइनस 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा 2 से कटेगा तो क्या आएगा, 1000, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 3000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, यानी कि माइनस का 3000 न्यूटन। जो हमारा आरोपित बल है और कितना है, माइनस का 3000 न्यूटन, ठीक। तो हमारा माइनस क्या है, जो हमारा पर माइनस आ रहा है बल, इससे हमारा क्या प्रदर्शित होता है कि जो हमारा बल है वह विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, यानी कि जो हमारा कार है वह गति कर रहा है तो उस गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है कितना, 3000 न्यूटन का बल, ठीक ना। जो कार को क्या कर रहा है, विराम में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक, क्योंकि विपरीत दिशा में कर रहा है इसलिए हमारा बल क्या होगा, निगेटिव होगा यानी कि माइनस में होगा, ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपने इस क्वेश्चन को नोट नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी स्टॉप करके नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्या कह रहा है कि कोई ट्रक है विराम अवस्था से, यानी कि विराम अवस्था से कहने का मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग होगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक। विराम अवस्था से किसी ढलान यानी कि स्लोप में एक समान त्वरण से गतिशील है, एक समान त्वरण से गतिशील है तो उसका जो वेग होगा वह समान समय में क्या होगा,
बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एक समान त्वरण क्या है, गतिशील है। यदि ट्रक 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना, तो उसके त्वरण की गणना करें, यानी कि जो उसका त्वरण है वह कितना है, ठीक, तथा ट्रक पर लगने वाले बल की गणना करें, जो हमारा बल लगने की है बराबर एम ए वह कितना होगा। और नंबर थ्री क्या कर रहा है, हाँ नंबर थ्री कह रहा है कि निकाला नहीं है, बस दिया हुआ है कि यदि ट्रक का द्रव्यमान क्या है 7 मीट्रिक टन यानी 7 मीट्रिक टन है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया है, नंबर वन हमारा जो विराम चल रहा है तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और हमारा टाइम क्या दिया गया है 20 सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमारा जो डिस्टेंस यानी कि s कितना दिया है 400 मीटर की दूरी तय करता है ना, 400 मीटर। आगे नेक्स्ट दिया गया है हमारा जो मास है, वह मास कितना दिया गया है 7 मीट्रिक टन, 7 मीट्रिक टन दिया है, ठीक। और जो हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो 1 मीट्रिक टन होता है, कहाँ लिखे हैं आप लिख देते हैं, चूंकि जो हमारा 1 मीट्रिक टन होता है यह बराबर होता है कितना 1000 kg के बराबर, तो हमारा 7 मीट्रिक टन बराबर क्या हो जाएगा 7 × 1000 = 7000 kg, यानी कि हमारा मास क्या आ गया 7000 kg। और हमें निकालना क्या है, नंबर वन एक्सेलरेशन, नंबर टू फोर्स, ठीक। तो अब हम क्या क्या देख रहे हैं, कौन कौन सा वैल्यू हमको दिख रहा है, एस दिख रहा है, यू दिख रहा है, टी दिख रहा है, हमें निकालना क्या है, एम निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तो हमने पढ़ा था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अपने वैल्यू को पुट करें तो एस बराबर कितना है 400 मीटर, और यू यानी कि जीरो, तो यू में टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यू का वैल्यू जीरो है तो टाइम हमारा 20 सेकंड है, तो फिर भी हमारा जीरो हो जाएगा। और 1/2 एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, और टाइम हमें दिया गया है 20 सेकंड, ठीक। इसको अब आगे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 ए और 20 × 400 sec² सेकेंड में सेकेंड से गुना होगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आगे हमारा जो यहाँ पर दो है वह भाग में है, तो अगर इधर से हम बराबर के दूसरे साइड भेजे यानी कि यहां से यहां भेजे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कि गुना में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 400 मीटर × 2 और हमारा जो 400 sec² जो है वह क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उससे भेजेंगे तो क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 400 sec² बराबर क्या बचेगा, इधर एक्सेलरेशन बचेगा, ठीक। तो हमारा क्या है 400 से 400 कट जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 m/sec², इसलिए हमारा एक्सेलरेशन बराबर क्या जाएगा 2 m/sec² जो हमारा पहला आंसर होगा, ठीक, यानी कि 2 m/sec². आगे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है यानी कि बल निकालना है। तो हमने पढ़ा है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से F बराबर क्या होता है, ma होता है, ठीक। तो हमें F निकालना है, तो हमें मास पता है कितना है 7000 kg, और जो एक्सेलरेशन है हमने अभी निकाला कितना 2 m/sec², 2 m/sec², तो हमारा क्या आ जाएगा 14000 kg m/sec², जिसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं, तो हमारा आ जाएगा 14000 न्यूटन, ठीक। यानी कि जो हमारा फोर्स आएगा यानी कि बल आएगा कितना होगा 14000 न्यूटन। तो आपका नंबर टू क्वेश्चन भी आपका हल हो गया, ठीक ना। अब हम नंबर थ्री क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
इससे पहले हम एक और सीरीज देखेंगे जो हमारा बल आया है 14,000 न्यूटन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 × 10³, क्योंकि 10³ का मतलब क्या होता है 1000। अब हम जानते हैं जब हमने प्रथम चैप्टर में पढ़ा था विज्ञान के उपसर्ग को कुछ, तो 10³ का मतलब क्या होता था वहां पे किलो, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 किलो न्यूटन। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 × 10⁴, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम दशमलव यहां लाते हैं तो उतना 10⁴ हो जाएगा, और 4 अंक है 10⁴ हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा न्यूटन। तो यह सब हमारे ये सब जो कन्वर्जन है इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसे रफ करते हैं और आप तक तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोर्ड पर दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक हमें उम्मीद है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीधी सड़क पर चल रही 1200 केजी द्रव्यमान की एक कार का वेग कितना है, 4 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर से घटकर 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। मतलब सीधी सड़क पे एक कार चल रही है, ठीक, सीधी सड़क पे एक कार चल रही, मान लीजिए हमारा सीधी सड़क है यहाँ और यहाँ पर एक कार चल रही है, ठीक, जिसका द्रव्यमान क्या है यानी मास है 1200 केजी, और उसका जो वेग है वह 4 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उतना वेग से चल रहा था, और 4 सेकंड में क्या हुआ घटकर 18 किलोमीटर पर आवर के वेग पर आ गया। ठीक, कह रहा है कि त्वरण और संवेग में परिवर्तन की गणना करें। पहला चीज क्या है, त्वरण और संवेग में परिवर्तन की गणना करें, तथा नंबर टू कह रहा है कि लगने वाले बल की परिणाम की गणना करें, यानी कि हमें निकालना क्या क्या है। सबसे पहले एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकालना है, नंबर टू मोमेंटम यानी कि संवेग निकालना है, और नंबर थ्री हमारा फोर्स यानी कि बल निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे। दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है, नंबर वन हमारा दिया गया है U यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, और अंतिम वेग क्या है जो 4 सेकंड के बाद होता है वह है हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमारा टाइम दिया गया है जो कितना है 4 सेकंड है, और आगे क्या दिया गया है, और कुछ तो नहीं दिया गया है, बस हमें निकालना है नंबर वन क्या निकालना है एक्सेलरेशन, और नंबर टू निकालना है फोर्स, और नंबर थ्री निकालना है हमारा मोमेंटम यानी कि पी, ये निकालना है संवेग में परिवर्तन निकालना है, नौ की संवेग, संवेग में परिवर्तन हमने पढ़ा था क्या होता है प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग, या हिंदी में लिख देते हैं, या संवेग परिवर्तन को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी बराबर वाट। ठीक है ना, तो ये हम इस प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वी बराबर यू प्लस ए टी, क्योंकि हमें यहाँ यू का मान पता है, वी का मान पता है, टी का मान पता है, हमें निकालना क्या ए, तो उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वी का वैल्यू कितना है 18 है, U का 90 है, और उसको यूनिट में लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो 18 किलोमीटर नहीं, एक हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो है यहाँ सेकेंड में दिया हुआ है और हमारा यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यानी कि हमारा समय का ऐसा ही मात्रक में दिया हुआ है, और जो हमारा किलोमीटर पर आवर है हमारा ऐसा ही मात्रक नहीं है। ठीक, तो इस समय ऐसा ही मात्रक में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 90 किलोमीटर है, इसको मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 × 1000, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक, और हावर यानी कि 1 घंटा है, तो घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि घंटा का ऐसा मात्र क्या होता है सेकेंड होता है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, और सेकेंड कितना होता है 60 सेकेंड, इसको हम क्या करेंगे कटाएंगे, तो 1010 यानी कि 2 0 77,
ठीक। अब हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 15 बार में 90 कट जाएगा। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो अभी कुछ कटने वाला नहीं रहा है, लिख रहा है, तो 2 से कर लेते हैं, तो 2 से 10 और 2 से 3। अब हम 3 से इसको कर सकते हैं, ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, जो हमारा 1000 बटा 60 × 60 है, 1000 बटा 60 × 60 है, और इसको हम जब कटाएंगे 2 0 हो गया। अब 6 है तो 2 से 2 5 10 और 2 3 6, ठीक, तो हमारा आएगा क्या 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हम इतना कैलकुलेशन ना करके आगे से हम लोग इस चीज को याद रखेंगे, जहां भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होगा, केवल 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आप मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 18 से 18 कट जाएगा, तो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं अपने प्रश्न पर, क्योंकि हमने इसे एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो हमारा वी बराबर क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, यू बराबर क्या आया 25 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, निकालना है, और टाइम हमारा 4 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आगे इसको हम हल करते हैं। हमारा जो 25 है प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 25 मीटर पर सेकेंड बराबर a इंटू 4 सेकेंड। ठीक, तो हमारा घटेगा तो क्या आएगा माइनस में 20 मीटर पर सेकेंड बराबर a इंटू 4 सेकेंड। ठीक, अब जो हमारा 4 सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन में गुणा में है, तो उसे दूसरे साइड देंगे तो क्या आएगा भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो हमारा कट के क्या आ जाएगा माइनस में, चलिए लिख के करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट का क्या है यूनिट का गुणा करना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसे गुणा करेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा। ठीक, तो 20 मीटर पर सेकेंड यानी कि बटा सेकेंड है, तो इधर भेज देते हैं तो 4 सेकेंड बटा सेकेंड यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा, और हमारे यहाँ क्या बचेगा एक्सेलरेशन, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा 4 × 25 20 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हमारा एक्सेलरेशन तुरंत निकाल गया कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारा माइनस में होगा। ठीक, इससे हमारा माइनस में है, इस समय क्या पता चल रहा है कि जो हमारा कार है वह विराम में जाने वाला है, यानी कि रुकने वाला है। ठीक, हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, बल निकालना है यानी कि फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए इसमें हमारा द्रव्यमान नहीं दिया, हाँ दिया तो था, हम छोड़ दिए थे, मास हमारा कितना दिया है 1200 kg। ठीक, अब हमें जब फोर्स निकालना है बल निकालना है, तो निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से, न्यूटन के दूसरा गति नियम a बराबर ma से, तो m हमारा कितना है 1200 kg, और जो हमारा एक्सीलरेशन हुआ कितना आया माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6000 माइनस का आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि माइनस का 6000 न्यूटन, यानी कि जो हमारा बल होगा इस पर लगेगा वो कितना होगा माइनस का 6000 न्यूटन। नेक्स्ट हमारा क्या है, संवेग परिवर्तन का दर निकालना है। ठीक, तो हम पढ़े हैं संवेग बराबर यानी कि p बराबर क्या होता है एमवी होता है। ठीक, और संवेग परिवर्तन यानी कि उसका हमें अंतिम संवेग निकालना पड़ेगा, फिर प्रारंभिक संवेग निकालना पड़ेगा, और दोनों को घटाना पड़ेगा, अंतिम उनका अंतर चाहिए। ठीक, तो प्रारंभिक संवेग की बात, सबसे पहले संवेग परिवर्तन निकालना है, संवेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक, तो हमारा अंतिम संवेग क्या होगा, e बराबर mv, यानी कि मास तो हरदम सेम रहेगा,
लेकिन भी यानी कि हमारा अंतिम वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी लिख देते हैं माइनस प्रारंभिक वेग लिखे तो एम और प्रारंभिक में क्या है यू है ठीक। तो प्रारंभिक समय हो गया, अब इसको घटाएंगे वैल्यू पुट करके तो हमारा एम क्या है इसको कॉमन ले सकते हैं ऐसे जैसे 1200 है तो 1200 लिख दीजिए और भी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड और हमारा यू कितना है 25 मीटर पर सेकेंड यानी कि 1200 × -20 मीटर पर सेकेंड इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24000 − kg/s केजी मीटर पर सेकेंड हमारा संवेग का मात्रक होता है ठीक। तो हमारा संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा माइनस का 24000 kg/s ठीक है ना। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न था वो हल हो गया। हमें क्या निकालना था नंबर वन एक्सेलरेशन जो हमारा -5 मीटर पर सेकेंड² आया, नंबर टू हमारा फोर्स निकालना था जो हमारा -6000 न्यूटन आया और नंबर थ्री हमें क्या निकालना था संवेग निकालना था संवेग परिवर्तन का बल निकालना था जो हमारा आ गया क्या -24000 kg/s ठीक है। इस तरह का यहाँ आज का जो प्रश्न था खत्म हुआ और आज की क्लास के हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बने रहें।